वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पहुंच गए हैं यूपी के राजधानी देवारी प्रतिपात, जल प्रतिपात में, मतलब वाटरफॉल में। तो अभी हम जंगलों के बीच में हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है। बोलते हैं जंगल में भालू है। अबे भालू और 300 दिखा भालू भाग रहा था, दौड़ रहा था भालू हमारे पीछे, दौड़ रहा है, दिख रहा है क्या? अरे सो रहा भाई। तो हम रास्ते में हैं, जंगलों के बीच में, 300 रुपए का टिकट दे के कार लेके अंदर घुस गए और बहुत देखते हैं, चलिए चलते हैं, क्या इतना मजा आएगा और कैसा लगेगा। बहुत सालों बाद में, बहुत सालों बाद क्या, पहली बार जंगल में आया हूँ ऐसे घने जंगल में। पहली बार जब आए और सूखे सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ सारे के सारे पेड़ सूखे हुए हैं। दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए हम लोग जंगलों के बीच में, पूरे सारा जंगल सूखा हुआ है, पूरा जंगल। अच्छे हैं अंदर राजधारी देवदारी और पार्किंग अंदर है, इधर ही है, ठीक है। हम सीधा अब सीधा हम वहाँ पहुँच के दिखाते हैं आपको स्टेट्यू कैसा है, वहाँ पे पानी है या नहीं है। चलो, लगता है यही है झर्रा, और देखिए झरने में पानी ही नहीं है, पूरा सूखा हुआ है, सूखे झरने पे आ गए हम लोग। ऐसा लग रहा है यहाँ त्रासदी हुई है, ऐसा लग रहा है यहाँ। ये यहाँ बरसात में लगता है पानी आता है, कोई नदी से आता होगा पानी, इन लोग को ढूंढो। लेकिन है बहुत शांति का इलाका है इधर, यहाँ आके आराम से इंसान मस्ती कर सकता है अपना फैमिली के साथ। लेकिन कुछ भी कहो, पेड़ बहुत अच्छे लग रहे हैं यार, ये सूखे सूखे पेड़ भी हमें बहुत कुछ दर्शाते हैं। यहाँ शादी कर सकते हो, ये देखो यहाँ पे वानर है, वानर सेना यहाँ बहुत है, ये देखिए वानर। ये पेड़ भुजिया नहीं लग रहा, वही तो मैं देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है काली काली, नहीं कालो बहुत वाला, ये उड़ के आता होगा, इसे बैठता होगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है, आनंद ही बहुत सही लग रहा है यार, कितना अच्छा लगता है यहाँ। सूसू के लिए बना हुआ है। झरारी चुड़ैल के बारे में सुना? झरारी चुड़ैल नहीं सुना, झरारी चुड़ैल उस पहाड़ के पीछे बताते हैं, बता रहे हैं यहाँ के लोकल लोग, ठीक है। चलो अभी दिखते हैं अगर और कुछ होता है यहाँ पे, बहुत सुनसान है। तो अभी हम कूद रहे हैं, देखिए ये देखिए कूद रहा है, मैं भी ये कूद गया। अब मैं इसे दोस्त गाड़ी सब फान के दिखाएंगे। ये भाई कूद नहीं सकते क्योंकि थोड़ा इनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, तो उससे एक रॉड पड़ी है। तो ये है यहाँ की सूखा, जो मूवी आपने गदर देखी थी, गदर कह रहा हूँ, शोले फिल्म की शूटिंग ऐसे ही किसी जंगलों में हुई थी, यहाँ नहीं हुई थी, ऐसे ही कहीं पहाड़ थे जहाँ पे शोले फिल्म की शूटिंग हुई। तो अभी हम आगे तरफ जाते हैं, आपको दिखाते हैं आगे क्या है, ठीक है। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये पानी रिसता है, यहाँ से रिसते हुए पानी जाता है। हाँ नहीं, टॉयलेट का पानी है, हो सकता है हमारे भी लकी नहीं है। देखिए हम कितना अच्छा एडवेंचर कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसकी तरह बोले सिर्फ आप लोगों के लिए ये जोखिम उठाया है। ये देखिए आप कितना गहरा है, मैं यहाँ से कूद सकता हूँ, ये देखिए कूद गया मैं, दिखी नहीं रहा होगा। ये देखिए कितना कितना अदृश्य अद्भुत सौंदर्यकरण है यहाँ पे। अब हम वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, आपको टाइम लैप्स में और सिनेमैटिक दिखाते हैं कई सारी चीजें। आउट गाइस, क्या गजब व्यू है यहाँ से, देखिए। ओ भाई साहब, यहाँ फाइनली हमें झरने के पास काला पानी मिल गया, ये देखिए यहाँ से, देखिए कितना प्यारा व्यू है ये। ये देखिए यार, हम लोग झरने के ऊपर है, पानी है यहाँ से, अगर हम नीचे छलांग मारे। अभी गाइस आपको सिनेमैटिक में दिखाएंगे इसका असली व्यू, जो लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, कहानी सुनो।
तो गाइज अब हम जा रहे हैं समोसा खाने और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। साथ में सारे दोस्त लोग समोसे और पानी के साथ अपना पेट का पालन करेंगे। तो हम तो वानर ने हमारा हमारे साथ दगाबाजी की है। मैंने अपने मुंह से छीना हुआ समोसे ले गया भाई, मुंह से छीना हुआ निवाला दे दिया, लेकिन फिर भी मेरे सारे समोसे लेके भाग गया। बहुत दगेबाजी की लड़ाई होगी, मार होगी यहाँ, हर बार मार हो जाती। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मार हो जाती, कुत्तों बंदर जहाँ जाऊँ वहाँ मार। तो हमारे लौंग लता भी उनके साथ चले गए उनके पेट में, तब उनका पेट चीर के निकालेंगे। आओ भाई, यही तो होता है टैलेंट भाई। से मैंने कहा पहले भर लो, जो बचेगा पीले भाई। इतना सा नहीं खा पाया भाई, मैंने खाया, मैंने भर लिया मुंह में। आपने गाइस देखा नहीं, एक दो समोसे मिले थे मुझे, एक समोसा मैंने और दूसरा फेंक दिया नीचे, और बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया। लेकिन लौंग लता हमारे निकलने का, यहाँ इन बंदरों का जो लीडर है वो दो दो लौंग लता खा रहा है। देखिए मार हो रही, पेड़ हिल रहा है, दिख रहा है ये, देखिए लौंग लता लीडर जो है दो खा रहा है और ये पेड़ हिल रहा था अभी। तो गाइस अभी हम वापस चलते हैं, यहाँ तक आए हैं और ब्लॉग पसंद आया। ये है राजदारी देवारी वाटरफॉल, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था यहाँ पे। तो अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय। हमने यहाँ पे अभी दादी लोगों को पैसे भी दिए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बेचारी बहुत बूढ़ी हो गई हैं दादी लोग, बहुत ज़्यादा बूढ़ी है, इन जंगलों में कैसे अपना पेट पालते होंगे ये सोचने की बात है। लेकिन जैसा भी हो चल जाता होगा काम, हमने भी अपनी तरफ से जितना सहयोग हो सका दिया। तो अब हम मिलते हैं, आप लोग भी जब भी आए तो इन दादी लोग को जल्द से जरूर मदद करें। मिलते हैं हम।